48 साल की मीना गोली ऑस्ट्रेलिया में पली बड़ी है। पढ़ने में होशियार थी लेकिन स्कूल स्पोर्ट्स क्लास से बचने के बहाने ढूंढती थी। यूनिवर्सिटी तक कभी किसी खेल में शामिल नहीं हुई। डिग्री पूरी की और उसके बाद कई अलग अलग कंपनियों में अहम जिम्मेदारी संभाली। आजकल हांगकांग बेस्ड कंपनी ट्रस्ट में CEO है लेकिन पिछले 4 साल से दुनिया भर की स्पोर्ट्स कम्युनिटी में मैराथन वुमेन के नाम से पहचान बना चुकी है। उनकी नई पहचान की कहानी शुरू होती है 20 साल पहले हुए कार हादसे से। उस हादसे से उनकी पीठ में गहरी चोट आई थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि दौड़ना तो दूर, चलना फिरना भी मुश्किल होगा। खैर मीना हफ्तों के बाद अस्पताल से घर पहुंची और खुद को फिट रखने के लिए स्विमिंग करने लगी। कुछ ही महीने में धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। नौकरी के दौरान चीन में पानी की समस्या को लेकर एक सेमिनार में हुई चर्चा से काफी प्रभावित हुई। उन्हें लगा कि वह दौड़ती तो है ही, क्यों ना ये दौड़ पानी बचाने के मकसद के लिए हो। बस यही उनके मिशन का कारण बना। पिछले साल 40 दिन में 40 मैराथन पूरी की। अब इससे भी बड़े मिशन पर है वो। इस साल 100 दिन में 100 मैराथन दौड़ने का मिशन है। 42 किलोमीटर की पहली मैराथन 4 नवंबर को न्यूयॉर्क में पूरी की, दूसरी भी न्यूयॉर्क में ही की। 6 और 7 तारीख को लंदन में दौड़ी, फिर फ्रांस पहुंची। रविवार को इटली थी, भारत भी आएंगे लेकिन अभी ये खुलासा नहीं हुआ कि भारत में दौड़ कहां होगी उनकी। 20 देशों से होते हुए 11 फरवरी को 100वीं दौड़ पूरी करेंगी, फिर न्यूयॉर्क सिटी में वो होंगी। तब तक वह 4200 की भी दौड़ चुकी होंगी। क्या कहना है मीना गुली का आपको बता दें, न्यूयॉर्क मैराथन के दौरान मीना गुली का हौसला बढ़ाते हुए लोग देखे गए। मीना कहती है 2030 तक पानी की जरूरत 40% बढ़ जाएगी, लेकिन दुनिया में आज भी 40% लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। अपनी सोच बताई, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि पानी को बचाए रखना भविष्य में हमारे नस्लों को जिंदा रखने के लिए एकमात्र सही सोच है। उनका लक्ष्य है लोगों को सिर्फ मोटिवेट करना, जो कम से कम इतना तो करे कि टूथ ब्रश करते समय नल बंद रखें। 20 साल पहले कार एक्सीडेंट के बाद डॉक्टरों ने कहा था दौड़ना तो दूर, चलना फिरना मुश्किल होगा, लेकिन मीना ने कुछ ही सालों में खुद को इतना फिट कर लिया कि पिछले साल भी 40 दिन में 1680 किमी दौड़ चुकी है। ये वाकई में काबिल तारीफ है। क्यूबियन हेडटेक्स की रिपोर्ट।